एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने मुझे मेल करके ये बताया है कि वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं, वो नहीं चाहते बट फिर भी कर देते हैं, इससे वो कैसे बचे। देखिए, इसके पीछे वजह तो आपने नहीं बताई, मैं उन्होंने नाम लेने से मना किया है तो उन्होंने ये कहा है कि मैं उनका नाम ना लूँ। आपने वजह तो नहीं बताई कि आप क्यों डिस्चार्ज करते हो। खैर, मैं ही वजह एनालाइज कर लेती हूँ। वजह कुछ लोगों की ये होती है, पहली बात कि उनका संबंध बनाने का मन नहीं है उसके साथ, बस अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो उसके साथ संबंध बनाता है। दूसरा, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो उसको लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर सकता तो जल्दी डिस्चार्ज कर देता है। तीसरा, उसके अंदर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, वो जानता है कि मैं ज़्यादा देर अगर टिका रहना चाहा तो मेरा डिस्चार्ज होना हो मेरा ढीला ज़रूर हो जाएगा, इसीलिए वो डिस्चार्ज कर देता है, जानबूझ के डिस्चार्ज कर देता है। अब देखिए, अगर आपके साथ आपके वाइफ का संबंध ठीक नहीं है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो सब पूरी तरीके से आप पे डिपेंड है। क्यों रिलेशन अच्छा नहीं है वो भी आप जानते हो, कैसे ठीक करना है मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं इसके बारे में। अगर दिमाग से कुछ मैच नहीं करता वो अलग बात है, प्रॉब्लम अगर बेड पे है तो उसका सोल्यूशन मैंने बहुत से वीडियो में कहा है। दूसरा, अगर आपको एनर्जी की दिक्कत है, अगर आप लो एनर्जेटिक फील करते हो, अगर आपको थकान बहुत जल्दी आती है तो इस पर भी मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, उस पर काम करो। मैंने बहुत सारे मल्टीविटामिन्स के बारे में बताया है, मैंने बहुत सारे हर्ब्स के बारे में बताया है, मैंने डाइट चेंज करने के बारे में बताया है, अपने हैबिट के बारे में बताया है, तो उस पर काम करो। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, जो भी करना है आपको करना है। क्या करना है? थोड़ा सा बाहर का खाना कम खाओ ना, पैसे भी बचेंगे और हेल्थ भी बचेगा। सिगरेट फूंकना है तो भी कम फूंको, अल्कोहल लेना है तो भी कम खाओ कम पियो, और अगर आप चाहते हो कोई चीज़ों को लेके अपने आप को इंक्रीज करना, यानी कि अपने नेचुरल तरीके से अपने स्टैमिना को बढ़ाना, अपने नेचुरल चीज़ों में आप डाइवर्ट करना चाहते हो बट कोई दवाई नहीं लेना चाहते। बहुत लोग बताते हैं मैम मैं कोई दवाई नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे इससे डर है। अगर आप कोई दवाई नहीं लेना चाहते तो आप मल्टी विटामिन्स को अपने डाइट में ऐड करो ना। मल्टी विटामिन्स जो होता है वो नेचुरल तरीके से आपके पावर को, आपके स्टैमिना को बूस्ट करता है। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। अगर हमारे शरीर में विटामिन्स की मिनरल्स की कमी हुई तब भी हम थक जाते हैं, तब भी हमारे अंदर थकान आ जाती है। तो अगर आप बहुत जल्दी बेड पे थक जाते हो ना, तो आप ये कर सकते हो कि मतलब कि अगर आपकी प्रॉब्लम आपका लीड डिस्चार्ज या इरेक्शन नहीं है, नॉर्मली आपको थकान बहुत जल्दी आ जाती है इसीलिए आप डिस्चार्ज कर देते हो, तो आप नेचुरल तरीके से अपने एनर्जी को बढ़ाओ ना। नेचुरल फूड को खाओ जो आपकी एनर्जी को बढ़ाए, बादाम वगैरह खाओ, डेट्स खाओ, डार्क चॉकलेट खाओ, और साथ ही साथ मल्टी विटामिन्स को अपने डाइट में ऐड करो। मल्टी विटामिन्स जो होता है वो हम सभी जानते हैं कि बहुत इफेक्टिव होता है आपके एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए। सजेस्ट करूँगी कि आप वीटा 365 का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो मल्टी विटामिन है ये 100% सेफ, सिक्योर एंड नेचुरल चीज़ों से बनाई गई है। इसमें जो विटामिन्स डाले गए हैं वो है बी, मतलब कि बी की पूरी कैटेगरी है, D3 है, ए है, ई है, सी है, साथ ही इसमें फॉलिक एसिड है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम, कॉपर, वो सारी चीज़ें इसमें डाली गई है जो डेली लाइफ में आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कमी की वजह से आप थक जाते हो, आपको थकान आ जाती है। साथ ही साथ इसमें जिनसंग, अश्वगंधा और जो ग्रेप होता है ना अंगूर, उसके बीज के एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं। और ये जो जिनसंग है हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, हेल्प करता है, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहती है, ब्लड सप्लाई अच्छा होता है। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से काम करती है ना, तो आप अंदर से यानी कोई दवाई लेके तुरंत नहीं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हो, परफॉर्म आप हमेशा ही अच्छा कर पाते हो, वो बेड पे हो चाहे आपके ऑफिस में हो, हर जगह ही आपको थकान से आप बाहर आ जाते हो। अश्वगंधा के बारे में तो हम जानते ही हैं कि अश्वगंधा कितना फ़ायदेमंद होता है एक मर्द के लिए, अलग से मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर मैंने डिटेल्स में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। साथ ही साथ इसमें प्रोबायोटिक्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाले गए हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो अगर आप कोई और दवाई वगैरह नहीं लेना चाहते, आपको डर है किसी चीज़ का, तो एटलीस्ट आप ये सिंपल सा मल्टी विटामिन अपने डाइट में ऐड करो। इससे ही आप मतलब कुछ महीने आप इसका इस्तेमाल करोगे ना तो आप खुद रिजल्ट पाओगे। पर सबसे पहले एक बात बताऊँ ना, कोई भी चीज़ ना इस चुटकी बजा के काम नहीं करती,
तो कुछ भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कम से कम 1-2 महीना 3 महीना तो ट्राई करना ही होता है। डॉक्टर भी अगर आप कुछ भी प्रेस्क्राइब करते हैं ना तो 3 महीने का कम से कम टाइम देते हैं, तो कम से कम इतना अपने आप को वक्त दो ताकि बॉडी में कुछ इम्प्रूव हो। तो आई एम श्योर आपको फिर ना अर्ली डिस्चार्ज करना नहीं पड़ेगा, जब तक आप चाहो तब तक आप अपने आप को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हो। और उसके लिए आप सिंपल सा ये मल्टीविटामिन अपने डाइट में ऐड करके देख सकते हो। आप चाहो तो लोकल किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके भी इसको ले सकते हो। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, चेकआउट। आखिरी जो रीज़न है वो है ढीला पड़ जाना। बहुत सारे मर्दों की ये दिक्कत होती है कि शुरू में तो उनका इरेक्शन बड़ा तगड़ा रहता है पर धीरे धीरे ना फिर इरेक्शन लूज़ हो जाती है। इस मामले में मैंने अपने चैनल में बहुत सारे सोल्यूशन बताए हैं, बहुत कुछ बताया है जिसको आप कर सकते हो। मालिश करने से लेके बहुत सारे ऐसे हर्ब्स के बारे में मैंने बताई है जो आपको काफ़ी हद तक मदद करता है। कॉफ़ी बीन्स काफ़ी मदद करता है आपको, डार्क चॉकलेट जो है वो काफ़ी मदद करता है, जिनसंग आपको काफ़ी मदद करता है, जिंक जो है वो आपको काफ़ी मदद करता है, ये आपके पावर को भी इंक्रीज़ करता है। तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हो, वो मेरे चैनल पर काफ़ी पॉपुलर वीडियोज़ है जो आपके इरेक्शन प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो क्योंकि उस पर मैं इस वीडियो में बताने जाऊँगी ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो क्योंकि इरेक्शन प्रोसेस जो है ना वो एक बहुत अलग सा चैप्टर है और उस पर मैंने डिटेल्स में अपने चैनल में वीडियो बना बना के रखे हैं ताकि आपको मदद मिले। तो अगर आपको इरेक्शन की दिक्कत है, आपको लगता है कि आपका जल्दी मतलब कि इरेक्शन लूज हो जाता है, तो आप उस पर काम कर सकते हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। माय डियर, अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है जिसकी वजह से आपको अर्ली डिस्चार्ज करना पड़ता है या बेड पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाते हो, तो आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को फॉलो अप करो। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है दोस्तों, बट इतना धैर्य लोगों के पास नहीं होता कि वो इन चीज़ों को धैर्य रख के करे। लोग बड़ा जल्दी इफ़ेक्ट चाहते हैं बट चुटकी बजा के कुछ नहीं होता, हर चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी आप भी खुश होगे और आपका वाइब भी पूरी तरीके से संतुष्ट होंगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।